सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिनव और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Realme 2 Pro के काफ़ी awesome ट्रिक्स के बारे में एंड आई एम श्योर कि ये सारी ट्रिक्स शायद ही आपको पता होगी। साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जान जाएंगे कि आप Realme 2 Pro में नोटिफिकेशन लाइट को कैसे इनेबल कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये सारे ट्रिक्स काफ़ी कमाल के हैं और आपको काफ़ी पसंद आने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं पहले ट्रिक के साथ जो है ऑफ स्क्रीन जेस्चर्स। यानी अगर आपके फ़ोन का स्क्रीन ऑफ हो फिर भी आप जेस्चर्स को ड्रॉ करके टॉर्च लाइट ऑन कर सकते हैं, म्यूजिक को नेक्स्ट प्रीवियस प्ले पॉज कर सकते हैं, ऐप्स को ओपन कर सकते हैं बस जेस्चर्स को ड्रॉ करके। इसे इनेबल करने के लिए सिंपली आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद स्मार्ट एंड कन्वीनिएंट में जाना है, उसके बाद जेस्चर्स एंड मोशन में जाना है, स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स को ऑन कर देना है। यहाँ पर आपको कुछ जेस्चर्स दिखेंगे, जैसे ओ ड्रॉ करके आप कैमरा ओपन कर सकते हैं, भी ड्रॉ करके फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हैं एंड म्यूजिक को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहे तो इन्हें इनेबल रख सकते हैं। नीचे आपको ऐड स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली उसमें जाना है। इसमें आपको कुछ जेस्चर्स के ऑप्शन मिलेंगे जिन्हें आप सेटअप करके ऐड ए जेस्चर यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले जेस्चर को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, अनलॉक, कॉल एंड सिलेक्ट ऐप। तो मैं अनलॉक को चूज कर लेता हूँ। इसके बाद आपके फ़ोन का स्क्रीन ऑफ होगा एंड फिर भी आप जेस्चर्स ड्रॉ करेंगे तो वो सारे कमांड्स फॉलो होंगे जो आपने सेटिंग्स में सेट किए हैं। कलर ओएस में जेस्चर्स की लिमिटेशन दिया गया है कि आप इतने ही जेस्चर्स यूज़ कर सकते हैं, बट फिर भी ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जिसे जानने के बाद आप अपने फ़ोन में किसी भी ऐप को काफ़ी आसानी से हाइड कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको अपनी फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है, इसके बाद सिक्योरिटी में जाना है, इसके बाद ऐप लॉक में जाना है, प्राइवेसी पासकोड इंटर करना है, इसके बाद आपको जिस ऐप को हाइड करना है उस ऐप पर क्लिक करना है, इनेबल पासकोड वेरीफिकेशन इनेबल करना है एंड देन हाइड होम स्क्रीन आइकन को भी ऑन कर देना है। आप जैसे ही इसे इनेबल करेंगे आपके सामने एक पॉपअप बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको सेट एक्सेस नंबर पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे एक नंबर एंटर करना है। बट एक चीज आपको ध्यान रखना है कि नंबर का स्टार्टिंग एंड एंडिंग हैच से होना चाहिए, जैसे हैच 12315 हैच, हैच 0000 हैच, हैच 085335 हैच या और कुछ। मैंने पहले से अपना एक्सेस कोड हैच 12345 हैच सेट कर रखा है, इसलिए यहाँ पर मुझे एक्सेस कोड सेट करने को नहीं बोला। एक्सेस कोड सेट होने के बाद आपको सिंपली हाइड होम स्क्रीन आइकन को इनेबल कर देना है। बस इतना ही करने से उस ऐप का आइकन अब हाइड हो चुका होगा। अब आपको अगर उस ऐप को ओपन करना है तो सिंपली आपको अपने फ़ोन के डायलर में जाना है एंड जो एक्सेस नंबर आपने सेट किया है वो टाइप करना है। आप जैसे ही नंबर टाइप करेंगे वैसे ही हिडन ऐप्स का लिस्ट ओपन हो जाएगा और आपने जो जो ऐप्स हाइड किए होंगे वो सभी यहाँ पर शो हो जाएंगे। एंड दोस्तों, इस फीचर की खास बात ये है कि आप जिस ऐप को हाइड करेंगे उस ऐप का ना नोटिफिकेशन शो होगा और ना ही वो ऐप रिसेंट पेज में शो होगा। सो आई होप ये ट्रिक आपके काफ़ी काम आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। इस ट्रिक की मदद से आप काफ़ी आसानी से अपने Realme 2 Pro में नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर ओपन करना है एंड एक ऐप सर्च करना है, LED ब्लिंकर नोटिफिकेशंस, एंड इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद इस ऐप को ओपन करना है। ओपन करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, आपको सिंपली बैक कर देना है। अब सिंपली आपको ओके पे क्लिक कर देना है, LED ब्लिंकर लाइट में जाना है, अलाउ करना है एंड बैक कर देना है। यहाँ पे आपको कुछ इतने कमांड्स दिखेंगे, मुझे स्पेशली कॉल एंड मैसेज की नोटिफिकेशन के लिए ही नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल रखना है, इसलिए अदर कमांड्स को मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ। इसके बाद सिंपली आपको मेनू बटन में जाना है, स्क्रीन LED में जाना है एंड स्क्रीन LED को इनेबल कर देना है। इसके बाद आपको पॉकेट मोड को भी इनेबल कर देना है एंड आप ब्राइटनेस को जितना रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। अगर आप 0% रखते हैं तो ब्राइटनेस ऑटो एडजस्ट होता रहता है।
साथ ही आप ब्लिंक रेट को चेंज कर सकते हैं, यानी आप नोटिफिकेशन लाइट को किस तरीके से ब्लिंक करना चाहते हैं उसे भी आप चेंज कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप LED साइज को भी चेंज कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्मॉल साइज ही चूज करें। साथ ही रिसेंट पेज में जाके इस ऐप को स्वाइप डाउन करके इस ऐप को लॉक कर दें, ताकि आप सारे ऐप्स को क्लियर करें तो ये क्लियर ना हो और बैकग्राउंड में चलती रहे। तो गाइज, सारी सेटिंग्स हो चुकी है, अब इस नोटिफिकेशन लाइट की टेस्टिंग करते हैं। इसके लिए सिंपली मैं अपने एक सिम से दूसरे सिम पे टेक्स्ट करता हूँ एंड अपने फ़ोन को लॉक कर देता हूँ। तो आपने देखा कि जैसे ही मैसेज का नोटिफिकेशन आया, वैसे ही स्क्रीन पे नोटिफिकेशन लाइट ब्लिंक होने लगा। आई नो ये नोटिफिकेशन लाइट ओरिजिनल नोटिफिकेशन LED लाइट वाली फीलिंग नहीं देता है, बट अगर आप उन लोगों में से हैं जो Realme 2 Pro में नोटिफिकेशन लाइट को मिस करते हैं, तो आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। आई नो ये ऐप आपके स्क्रीन को ऑन कर देता है, जिससे बैटरी ड्रेन होने के चांसेस काफ़ी होते हैं, बट मैंने इसे अपने फ़ोन पर टेस्ट किया है, मुझे कोई ख़ास बैटरी ड्रेन देखने को नहीं मिला। आपको अगर ये ट्रिक पसंद आया तो आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। गाइज, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो आप जब भी वीडियो शूट करते होंगे तो मूवमेंट के अकॉर्डिंग आपके वीडियो का फोकस एंड एक्सपोजर चेंज होते रहता है, जिस वजह से वीडियो काफ़ी अजीब तरह का दिखता रहता है। एक्सपोजर एंड फोकस को लॉक करने के लिए सिंपली आपको अपने फ़ोन के डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप में स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस कर देना है। बस इतना करने से फोकस एंड एक्सपोजर लॉक हो जाएगा। आप कितना भी मूव क्यों ना करें, बट एक्सपोजर एंड फोकस का कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात करें नेक्स्ट ट्रिक की, तो वो है नेविगेशन जेस्चर्स। मैं यहाँ पे कोई भी ऐप ओपन करता हूँ, जैसे कैलकुलेटर ऐप, यहाँ पे आपको कोई भी नेविगेशन कीज देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने नेविगेशन कीज को हाइड कर रखा है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि मैं मिडल से स्वाइप अप करता हूँ तो मैं होम स्क्रीन पे चला जाता हूँ, स्वाइप अप करके होल्ड करता हूँ तो मैं रिसेंट पेज पे चला जाता हूँ, एंड लेफ्ट या राइट से स्वाइप करने से मैं बैक हो जाता हूँ। तो इसके लिए आपको सिंपली अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है, इसके बाद आपको जाना है स्मार्ट एंड कॉन्वीनियंट के अंदर, इसके बाद आपको जाना है नेविगेशन कीज में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने स्वाइप अप नेविगेशन जेस्चर को ऑन कर रखा है। इसमें आपको काफ़ी सारे जेस्चर्स ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे बैक एट बोथ साइड्स, सिंपल जेस्चर, बैक ऑन द राइट, बैक ऑन द लेफ्ट। इसमें से मेरा फेवरेट बैक एट बोथ साइड्स है, जो कि पहला ऑप्शन ही है। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग अपने फ़ोन के लिए एक जेस्चर सेलेक्ट कर सकते हैं और उनका यूज कर सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में मैंने आपको बताया Realme 2 Pro के awesome ट्रिक्स के बारे में। आपके पास Realme 2 Pro से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप वो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं अपने अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।